थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसी पेपर के ऊपर बात करते हैं जिस पेपर पे हम बात कर रहे थे पहले, रिकवरी ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इन पेरुवियन एरा बाय बालकृष्ण। नाउ हम ऑलरेडी अभी तक ये देख चुके हैं, इस पेपर में उन्होंने महालनोबिस मॉडल के बारे में बात करी, उन्होंने वकील ब्रह्मानंद मॉडल के बारे में बात करी, उन्होंने क्रिटिक दिया वकील ब्रह्मानंद मॉडल का। उसके बाद वो नेहरूवियन एरा की ग्रोथ रेट को किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ग्रोथ रेट्स को कंपेयर करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ग्रोथ रेट को इन टाइम कंपेयर करिए, जैसे आप ये देखें कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो बिफोर इंडिपेंडेंस से कैसे कंपेयर्ड है। इंडिया की ग्रोथ रेट आफ्टर इंडिपेंडेंस के 50 सालों में नेहरूवियन एरा की ग्रोथ रेट से कैसे कंपैरिजन में है, उन्होंने ये बताने की चेष्टा करी। और फिर उन्होंने कहा कि आप यह भी देखिए कि इंडिया का ग्रोथ रेट सिमिलर इकोनॉमीज और डिससिमिलर इकोनॉमी से कैसे कैसे अपने आप में कंपैरिजन में आता है। उन्होंने दोनों ही पॉइंट्स पे किस तरीके से नेहरूवियन एरा के ग्रोथ रेट को डिफेंड करा है, इस बात के बारे में डिस्कशन करता। उन्होंने कहा कि अगर आप इस टेबल को देखें, ये आपको उनके पेपर में मिल जाएगा ये टेबल, तो जो पहला कॉलम है दैट इज द कॉलम ऑफ प्री इंडिपेंडेंट एरिया इंडिया, राइट, ब्रिटिश एरा। दूसरा कॉलम इज 50 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो दिस इज टेकिंग केयर ऑफ द ऑलमोस्ट एंटायर इंडिपेंडेंट इंडिया। जो तीसरा कॉलम है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर नेहरूवियन एरा फ्रॉम 1950-51 टू 1964-65, ये नेहरू जी का एरा था। इस पर उन्होंने कहा कि अगर आप ये देखें कि नेहरूवियन एरा को आप कोलोनियल एरा के साथ कंपेयर करें, नेहरूवियन एरा की ग्रोथ रेट को कोलोनियल एरा की ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करें, तो आप ये पाएंगे कि हर सेक्टर में नेहरूवियन एरा की ग्रोथ रेट कोलोनियल एरा की ग्रोथ रेट से बढ़िया थी। हर सेक्टर, इन एवरी सेक्टर, वेदर इट वाज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एवरीवेयर ग्रोथ रेट इन नेहरूवियन एरा वाज बेटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट इज द कोलोनियल पीरियड, राइट। दूसरी बात ये, आप अगर यह भी देखें कि जिस तरीके से एक लो इनकम इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए वो ऑलमोस्ट वैसे ही कर रही थी जैसा नेहरूवियन एरा में, उसी तरीके से इंडिया ग्रो कर रही थी जैसा कि उसको ग्रो करना चाहिए। क्यूजनेट से कहते हैं कि एक लो इनकम इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर को ग्रो करना चाहिए, ये ज्यादा सही चीज है इस कंपेयर टू अगर हम लो इनकम इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर को ग्रो कराने लग जाए। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं अगर आप नेहरूवियन एरा में देखें तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वह ज्यादा ग्रो कर रहा था एज कंपेयर टू। सो जो रैंकिंग ऑफ द सेक्टर्स है, उन्होंने कहा रैंकिंग्स ऑफ द सेक्टर्स बट द ग्रोथ यह भी ठीक है जैसे कि होनी चाहिए। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ भी कंपेयर करना चाहें तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं नेहरूवियन एरा की ग्रोथ रेट को इंडस्ट्रियल एरा की ग्रोथ रेट के साथ। उन्होंने कहा दो तीन बातें देखने वाली हैं। एक हिस्टोरियन हुए हैं जॉयल मॉकायर, वो ये कहते हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखते हैं तो जो ग्रोथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की थी और जो ग्रोथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की है वे अपने आप में क्वालिटेटिवली भिन्न है। उसका रीजन ये है कि जो ग्रोथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की है वो सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स में नहीं है, वो ब्रॉड बेस्ड है, हर सेक्टर में ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूं अभी मैं, अभी वी विल कम टू इंडिया,
हम अभी ये बात कर रहे हैं कि जॉयल मुकायर साहब क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा, जो दूसरा पॉइंट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उन्होंने कहा कि अगर आप यह देखते हैं कि 1750 से पहले जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ था 1750 से पहले, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, लेकिन वह टेक्नोलॉजिकल चेंज अपने आप में लोकलाइज्ड था, ब्रॉड बेस नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आप अलग अलग सेक्टर्स में भी देख पा रहे थे, वो सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं था। तीसरी बात, जो प्री मॉडर्न ग्रोथ है, प्री मॉडर्न ग्रोथ उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की जो ग्रोथ थी, ग्रोथ तो होती थी लेकिन कुछ भी मैन मेड प्रॉब्लम आई या नेचुरल कैलामिटी आई तो उससे ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाता था, ऐसा उन्होंने कहा। बालकृष्ण सॉरी जॉयल मुकायर साहब कहते हैं कि ऐसा आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देखने को कम मिलता है। इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ग्रोथ रेट को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहले की ग्रोथ रेट से भिन्न करती। अब कृष्णन साहब ये कहते हैं कि हम सारे पॉइंट्स तो नहीं कर सकते कंपेयर, लेकिन जो पॉइंट्स हैं कंपैरिजन के लायक वो यह हैं। इस बात को आप नहीं नकार सकते किसी भी तरीके से कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ था नेहरूवियन एरा में, दैट वाज वाइडस्प्रेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का सेक्टर ग्रो कर रहा था, तीनों तरह के सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वह सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वह टर्शरी सेक्टर हो। तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, वह सारे सेक्टर्स के लिए थी, नॉट ओनली इट वॉज नॉट लोकलाइज्ड, वैसा ही यहां पर भी आपको देखने को मिला, राइट। दूसरी बात, जो ग्रोथ था इंडिया का भी जो ग्रोथ था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सालों के लिए ही रहा, वह बहुत लंबे समय तक ग्रोथ रहा। वी वर एबल टू सस्टेन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, दैट वॉज ऑल्सो हिज पॉइंट ऑफ व्यू। फिर वो ये कहते हैं कि अब बढ़िया बात यह है कि एक सिमिलैरिटी तो देखी, एक डिफरेंस भी देखिए नेहरूवियन एरा की ग्रोथ रेट में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो ग्रोथ रेट आया था उसमें। तो वो ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो ग्रोथ रेट थी, हमारी जो ग्रोथ रेट है, पहली बात, हमारी ग्रोथ रेट कोट अनकोट इंडस्ट्री टाइप नहीं थी, सिर्फ इंडस्ट्री ही डेवलप कर रहा है ऐसा नहीं था। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि जो 6.8 है, यहाँ पे 5.5 है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे केस में एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करा, और उन्होंने इस इन नंबर्स का भी रीजनिंग दिया। बालकृष्ण जी ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये टेबल जिस तरह से बनाया है, बहुत ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरीज से आया हुआ टेबल है, तो इसमें जो ग्रोथ एक्सेलरेशन हुआ था प्राइमरी सेक्टर का, वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम उसके ऑल सब सेक्टर्स को देखें तो हम ये पाएंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर था वो इनफैक्ट सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा या ऑलमोस्ट सेम पे ही ग्रो करा था, राइट। बिकॉज ये तो डेफिनेशंस हैं कि आप किस तरह से प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं या सेकेंडरी सेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि हमारी ग्रोथ फॉरेन एड पे और फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थी नेहरूवियन एरा। यहां से इन दो पॉइंट से कहते हैं कि नेहरूवियन एरा की जो ग्रोथ रेट थी वह भिन्न थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जो ग्रोथ हुआ। इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन करा है इंडिया की ग्रोथ रेट का ओवर द टाइम, राइट। अब देखते हैं इंडिया की ग्रोथ रेट का उन्होंने किस तरीके से कंपैरिजन करा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए बेटा, उन्होंने कहा कि एक तरीका तो यह है कि हम ऐसी कंट्रीज का सेट ले लें जो कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही थी
जब इंडिया ग्रो कर रही थी, जब इंडिया और इंडिया चाइना कोरिया दे वर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, तो किस तरह से ये सारी की सारी कंट्रीज ग्रो करी। और एक सेट ऑफ कंट्रीज वो ले लेते हैं जो कि इंडिया से कहीं बेहतर कंट्रीज से, ऑलरेडी गुड कंट्रीज हैं, OECD कंट्रीज हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया को कंपेयर करा गया। वो ये कहते हैं कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हुआ वो अफ्रीका से बेटर था लेकिन ईस्ट एशियन इकोनॉमी से वर्स था। अगर कोरिया को एक एज अ सिनोनिमस थिंग ले लिया जाए ईस्ट एशिया के लिए, तो हम ये पाएंगे कि इंडिया कोरिया के कंपैरिजन में काफी कम ग्रो करा। लेकिन अगर आप हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करें तो नेहरूवियन एरा में जो इंडिया था वो चाइना से कहीं ज्यादा ग्रो करा। चाइना ने हमारे को ओवर पावर करा था नेहरूवियन एरा के भी 1.5 दशक बाद, राइट, जब डेंग शियाओपिंग ने रिफॉर्म्स लेकर आए थे, तब उसके बाद चाइना की ग्रोथ हुई थी, वहां से ये बातें आ रही। दूसरी बात बेटा, तो पहली बात तो ये उन्होंने ये डिफेंड करा कि नेहरू जी इंडिया को बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में छोड़ के नहीं गए थे। सो इट इज इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही थी वो चाइना से तो बेटर ही ग्रो कर रही थी। फिर बालकृष्णन साहब कंपेयर कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ रेट को OECD कंट्रीज की ग्रोथ रेट से। वो ये कहते हैं, अब बालकृष्णन साहब कह रहे हैं, राजकृष्णा एक बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया का रिकॉर्ड देखते हैं, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करी है लेट 1970s तक, तो आप ये पाएंगे कि इंडिया वर्ल्ड की जो जो पहली 100 कंट्रीज है उनसे कहीं नीचे, राइट, इट हैज प्लेस्ड इट लोअर देन 100 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। और राजकृष्णा साहब यह बात कहने के लिए पर कैपिटा इनकम पे जोर दे रहे थे, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट को जोर दे रहे थे, उस पे देख रहे। बालकृष्णन जी का डिफेंस यह है कि आप पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो क्या आप ये नहीं देखेंगे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है? उनका डिफेंस ये है। अब उनका डिफेंस ये है, उनका डिफेंस सुनिए बालकृष्णन साहब का। वो ये कहते हैं कि अगर इंडियन इकोनॉमी उसी लेवल पे ग्रो कर रही होती जिस लेवल पे वह कॉलोनियल इंडिया में पहले 20th सेंचुरी के पहले 50 सालों में, जब कॉलोनियल इंडिया था, जब इंडिया ब्रिटिश रूल में था, उसी उसी इनकम लेवल पे ग्रो कर रही होती, मतलब अगर इन द सेंस अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सॉरी, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर उसी लेवल पे ग्रो कर रही होती तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा होती। ये डिफेंस दे रहे हैं, ये डिफेंस दे रहे हैं, डिफेंस सुनिए फिर से। वो ये कहते हैं कि आप पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं, हाँ, तो आप पॉपुलेशन को काहे को ना देख रहे। उनका यह कहना है कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन जैसे पहले 50 सालों में ग्रो करी थी ब्रिटिश रूल के, जब 1900 से 1947 वाला जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था, अगर वो उसी लेवल पे ग्रो कर रही होती तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा होता, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ US एंड UK उससे ज्यादा होता, एंड एक्सीड्स दैट अटेन्ड बाय जापान ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आप डिफेंस देखिए कि वो किस तरीके से नेहरू जी के टाइम में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है उसको डिफेंड कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है
तो वह अपने आप में हमेशा बुरा इंडिकेटर नहीं है। हमारी पॉपुलेशन ग्रो करी है नेहरूवियन एरा के अंदर क्योंकि हमारे जो मेडिकल एडवांसमेंट हुई उनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर, विडोहुड कम होने लगा, मलेरिया से होने वाली मौतें कम होने लगी, फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हुआ, यस। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि मोर्टेलिटी रेट भी कहीं जगह कम हुआ? तो ये कहां से खराब चीज है? वो डिफेंड करते हैं इस बात। एक और बात में वो डिफेंड करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप पूरे के पूरे बहुत लंबे टाइम पीरियड को देखते हैं किसी कंट्री के ग्रोथ रेट्स को, तो नेचुरली उसका ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया उन कंट्रीज जैसे यूएस को, यूके की पर कैपिटा इनकम को या इनकम को उस लेवल पे कंपेयर करें जब इंडिया उस लेवल पे था, मतलब मान लीजिए जिस लेवल पे इंडिया 1950 पे था, हम वो देखें कि यूके और यूएस की अपनी इनकम उस समय कब हो, कितनी होगी, किस समय रही होगी, और उसके बाद अगर आप पाएंगे तो आप ये पाते हैं कि इंडिया ने बढ़िया ही डेवलप करा है। एक शॉर्ट, एक लो ग्रोथ के ऊपर भी आप अगर ग्रोथ दिखा पाते हैं, आप एक लो बेस के ऊपर भी अगर आप ग्रोथ दिखा पाते हैं, तो ये अपने आप में कोई कम चीज नहीं है, यह एक बढ़िया चीज है। उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है उन्होंने कि हाई ग्रोथ ऑन अ लो बेस इज नॉट ट्रिवियल, राइट। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, कोई मामूली सी बात नहीं है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप अगर देखते हैं तो इंडिया नेहरूवियन एरा के अंदर बढ़िया ही ग्रो करा था, चाहे आप उसको टाइम पीरियड के संदर्भ में देख लें या आप उसको अक्रॉस द कंट्रीज कंपेयर करके देख लें, आप दोनों ही रूप में पाएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस नेहरूवियन एरा में बढ़िया था। ये बातें कुछ बालकृष्ण साहब ने करी इस रीडिंग के अंदर। हम इसको और आगे देखेंगे, आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग पढ़नी पड़ेगी बेटा। यू विल हैव टू रीड रीडिंग, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाटएवर व्हाटएवर हैज बीन प्रूव, राइट। चलिए, थैंक यू बेटा।